तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं बताऊँ झारखंड में आज आपको पेपर में आउट किया गया है वैकेंसी के बारे में, ठीक है। तृतीय चतुर्थ वर्गीय और राजपत्रित वर्ग के दो की नौकरियां केवल स्थानीय को ही मिलेगी। यहां पर देखिए साफ साफ ये कह दिया गया है फ्रेंड्स, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। ये आपका 28 अगस्त का आज पेपर में ई पेपर प्रभात खबर में आज आपको ये आउट किया गया, ध्यान से आप लोग देख लें। और किन्हीं को कोई भी सवाल सवाल अगर कमेंट्स करें, मैं कमेंट सेक्शन में जवाब दे दूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपका कहा गया है कि तृतीय श्रेणी की नियुक्तियाँ के लिए आए बाहरियों के आवेदन रद्द करने का फैसला किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लियरली बताना चाहता हूँ कि झारखंड के जो भी निवासी हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जो अदर स्टेट वाले हैं उनको प्रॉब्लम होने वाला है, यहाँ पर क्लियरली कह दिया गया है बाहरियों को, यानी कि झारखंड वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसटीएससी ओबीसी जनरल वाले किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अदर स्टेट वाले को प्रॉब्लम होने वाला है। यहाँ पर देखिए क्या है जो दिया गया है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूले फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए झारखंड कैबिनेट ने 2018 में घोषित स्थानीय नीति के आलोक में राज्य कर्मचारी चयन में एनजीएससी द्वारा नियुक्ति के लिए ली जाने वाली परीक्षा के प्रक्रिया में बदलाव का फैसला किया है, ठीक है ना। इसके तहत आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में राज्य के बाहर से आए सभी आवेदन रद्द माने जाएंगे। यहाँ पर जो विज्ञापन जो प्रकाशित किया गया है, ठीक है ना, उसमें राज्य के बाहर से यानी अदर स्टेट वाले जिन्होंने अप्लाई किया उनका आवेदन यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है जिन नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित नहीं की गई है उन पदों पर नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। अब ये आपका लागू पंचायत सचिव में होगा या एक्साइज कॉन्स्टेबल में होगा या फिर स्पेशल ब्रांच में होगा, ये नेक्स्ट आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपडेट आता है तो मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है ना। किस किस में होगा ये तो अभी पता नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। प्रक्रिया में बदलाव होने की वजह से कैबिनेट ने आवेदकों की उम्र की गणना के लिए नया कट ऑफ डेट का निर्धारण किया है। राज्य सरकार ने 2018 में वर्ग ग यानी तृतीय श्रेणी, वर्ग घ चतुर्थ श्रेणी और अराजित्रित पदों वर्ग दो के पदों पर सिर्फ स्थानीय को ही नियुक्ति करने का फैसला किया था। सरकार के अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मचारी चयन द्वारा परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी, ठीक है ना। यहाँ पर कह दिया गया इसके लिए पूर्व प्रकाशित विज्ञापन में वैसे सभी यह आवेदक नए सिरे से प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन भी नहीं करके दायरे में शामिल आवेदकों को नए सिरे से आवेदन देना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कहा गया है आवेदक को दोबारा परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। यहाँ पर क्लियरली आपको कह दिया गया फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स हैं देख सकते हैं कह दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी को मैं एक बार बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो भी नियुक्तियाँ अभी चल रही है शायद उन पर ब्रेक लग सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी कोई ऐसा अपडेट कहा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही कहा जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर कह दिया गया है तृतीय श्रेणी की नियुक्तियों के लिए आए बाहरियों का आवेदन रद्द करने का फैसला किया गया है, ठीक है ना। ग्रुप ए और ग्रुप बी के वैकेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्रुप सी की जो वैकेंसी है उसमें प्रॉब्लम होने वाला है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी में। आपका सभी को मैं बताना चाहता हूँ क्लियरली, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद जय भारत।